रूम में स्टेटिस्टिक चैप्टर नंबर 40 पार्ट 1 ऊपर में दे दूंगा। अब पार्ट 2 में मैंने एक सम लिया है जिसमें हमें मीन यानी मध्यक, मीडियन और मोड तीनों में एक ही सम में बताता हूं, तो खास देखना जिस तरह से बोर्ड में जिस प्रकार के एग्जांपल पूछे जाते हैं उस तरह का ये है। तो पहले हम मीन फाइंड करेंगे, चलो फ्रीक्वेंसी को हमने F5 नाम दिया, पूरा टोटल दे दिया 100। अब मुझे पहले फाइंड क्या करना है, मीन। मैं पहले मीन फाइंड करता हूं, तो चलो मीन फाइंड करने के लिए पहले मैं मीन फाइंड करूंगा, तो पहले मीन के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू यानी xi दोनों का प्लस और डिवाइड, हाफ कर दो, 20 प्लस 0 10, 20 का हाफ 40, 20 60, 60 का हाफ 30, चलो 20 का ही अंतर है 70 और 90 चेक करो, 100 प्लस 80 180 के हाफ 90, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, हमें xi मिल गया। अब ये सिंपल फॉर्मेशन की नंबर है 0, तो हम क्या फाइंड डायरेक्ट ही कर देते हैं क्या कि fi xi। अगर आपको DIK मेथड से भी करना है वो भी कर सकते हो, नो डाउट, उसके लिए आप DIK मेथड से भी करोगे वो भी वही सम आएगा। अगर आपको चाहिए कि मुझे शॉर्ट टर्म मेथड के लिए सीखना है तो मुझे कमेंट में बता दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो fi xi तो 15 × 10 150, 18 × 30 540, 21 × 5 1050, 29 × 7 2030, 17 × 9 15। आपको ये लगेगा सर जीरो क्यों रखे है, तो इसका पुट अप वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या फाइंड करेंगे, सिग्मा fi xi, तो चलो वो फाइंड करते हैं, 150, 540, 0, 59, 6, 690 प्लस 1050, 0, 14, 7, 1 और उसमें ऐड करेंगे 2030, 0, 4, 5, 6, 7, 7, 3 उसमें ऐड करेंगे 1530, 0, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5 आपका आंसर क्या आया, 5300, आंसर पुट अप द वैल्यू 5300, ठीक है। चलो 5300 हमने आंसर पुट वैल्यू किया, तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट अप करेंगे। तो फॉर्मूला सिंपल क्या था कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi बराबर 5300 अपॉन 100, 00 का 00 का आंसर क्या मिला आपको, मीन। ये हमने फाइंड किया मीन, तो आपको भी एग्जाम में अगर इस तरह के कोई सम आते हो तो आपको मीन इस तरह से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो ये शॉर्टकट मेथड थी, देख ली। अब हम फाइंड करेंगे इसी सम में हम मीडियन, ठीक है, ये मीन था। अब फाइंड करेंगे हम मीडियन, मीडियन यानी मध्यस्थ, ठीक है। चलो अब मध्यस्थ फाइंड करते हैं,
तो ये तो मैं ऐसे का ऐसे रहने दू, ये मीन हटा देता हूँ मोड। हम क्या फाइंड कर रहे हैं? मिलियन। तो मिलियन के लिए हमें क्या चाहिए? CM5 और कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। 50 टोटल 100 आना चाहिए, उस तरह से करना है। तो देखो 50 प्लस 80, 15 में 80 प्लस करो 8 9 10 11 12 30 23, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप 23, 23 में 21 प्लस करो 3 4 4 44, 44 में 29 प्लस करो 9 10 11 12 30 4 5 6 7, 73, 73 में 70 प्लस करो 7 8 9 10 8 और 9, कहाँ आपने भूल की? तो चलो फिर से करते हैं। आपको ये बताने के लिए था कि लास्ट में जो है ना 100 आना चाहिए। जैसे मैंने अभी एरर बताई, वैसे आपको भी नहीं करनी है। देख लो मैंने बोल कहा कि 50 80 8 9 10 11 12 30 1 33 आता। जो कॉमन एरर हम स्टूडेंट करते हो वो यही होती है, ठीक है। अब पूरी लाइन चेंज होगी, देखो 33 में 21, एक भूल हमारे पूरा सम खराब कर सकती है। 54 में 29, 6 7 8 83 83, उसमें 70 प्लस करो 7 8 9 10, आ गया 100, ओके। चलो फर्स्ट स्टेप आपको मिलियन का पता चल गया। क्या करना है? 100 लाना है, प्लस करना है, सबको प्लस में लेना है। अब सेकंड स्टेप, चलो सेकंड स्टेप क्या था? हम फॉर्मूला पुटअप करेंगे, एम इज इक्वल टू, सेकंड स्टेप क्या है? एम इज इक्वल टू एम बाय टू ऑब्जर्वेशन, n by 2 observation, ठीक है। 100 by 2 observation, obvious लिखोगे चलेगा। 15 आया, चलो कौन सा observation लिया हमने? 15 observation। अब मुझे ये find करना है, वो find करने से पहले मैं क्या लिखूंगा formula? L plus N by 2 minus CFI upon FI into H, ये हम फॉर्मूला पुट अप करेंगे, ठीक है। तो चलो उसके लिए हमें सब चीज लानी पड़ेगी, N CFI FI और H, ये चारों चीज हमें चाहिए। तो कैसे फाइंड करेंगे? चलो 15 आ गया, 15 OBS, तो 15 हमें FI और CFI के बीच में देखना है। 15 का मिला यहाँ 40 साइड, 21 टू 54 के बीच में 15 आ जाएगा, इन दोनों के बीच में। तो जो उसका ऊपरी नंबर होता है उसे हम CFI कहेंगे, जो सामने वाला नंबर होगा उसे हम FI कहेंगे, आगे वाले नंबर को L कहेंगे, ठीक है। L इज इक्वल टू क्या होगा? 40, FI कितना होगा? 21 और H कितना होगा? 20, CFI कितना मिला? 33, ठीक है। इस तरह से करना है। L is equal to, L कितना है? 40 plus N by 2, 15 minus CFI कितना है? 33, FI कितना मिला? 21, देखिए यहाँ देखना, FI यहाँ काउंट होगा, H कितना होगा? 20, तो 14, प्लस, अब ये ब्रैकेट को कम
कंप्लीट करो, 15 माइनस 33, 50 में से 33 निकालो तो 4 5 6 6 और 16, ओके 16, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करो 20 डिवाइडेड बाय 21, तो ये ब्रैकेट ओवर करते तो 40 प्लस 16 3 3 2 0 21, ठीक है। अब जो ये 320 है उसका हमें डिवाइड करना है, 320 इसको 20 21 1 जा 21, क्योंकि 2 जा तो 42 होगा, 1 1 0, चलो 21 के टेबल में कब आएगा 110, तो 5 2 जा 10 आता है, नहीं तो और आगे करें, सेकंड एरर पे आ गई 5 6 7 7 340, ठीक है, ऐसी स्मॉल स्मॉल एरर एग्जाम में ना हो वो आपको भी खास ध्यान रखना है। देखो क्या एरर हमने की, 50 में से 33 निकालो, हम एग्जाम में जब भी सम करेंगे बस फास्ट में जाएंगे और एक गलत करके आ जाएगा, पूरा आंसर गलत हो जाएगा, जिसका खामियाजा आपको मैक्स में देखने को मिल जाएगा, तो ऐसा ना हो वो ध्यान रखना है। 21, चलो 21 1 जा 21 21 2 जा कितना होगा 42, यानी होगा 3 3 और 1 और 130, चलो अब 130 तक ले जाना है, तो 21 5 जा तो 6 जा 6 6 2 जा 126, 126 कितने बचे 40, बराबर, क्यों यहाँ पॉइंट करेंगे हम इसलिए, तो 21 को फिर से करेंगे, 21 कितने बचेंगे 8 18 180, चलो 21 टेबल में 180 कब आएंगे शक्य ही नहीं है, 29 9 9 2 जा 189 1 जा, तो 40 प्लस 16.18, तो टोटल आंसर हमें कितना मिला तो 6 5.18, ये हो गया हमारा मीडियन। ध्यान रखना इस तरह से कोई भी एरर आई तो पूरा सम गलत हो जाएगा आप लोगों का। ये था हमारा मिलियन, अब हम क्या फाइंड करेंगे मोड, ठीक है, तो मोड फाइंड करने के लिए कोई सम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बोर्ड की एग्जाम में या तो डायरेक्ट आपको दे देंगे और फाइंड करने के लिए करेंगे, या तो कोई ऐसा सम हो तो वो हमें फाइंड करना हो, CFI की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम CFI को इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब F5, तो F5 के में सबसे ज्यादा जो नंबर है तो उसे हम क्या सपोज करेंगे F1, उसके आगे जो नंबर है उसे हम क्या सपोज करेंगे F0, उसके नीचे वाले को F2, बराबर, F1 के सामने जो नंबर आता है उसे हम क्या सपोज करेंगे L, ठीक है। अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं मोड, हर चीज का मोड, मोड को क्या डिनोट किया जाता है Z is equal to L ऊपर 10 रुपीस F1 F0 नीचे 102,
इस तरह से आप याद कर सकते हो इनटू एच ब्रैकेट कर लो और इनटू को बाहर छोड़ दो। तो एल एल क्या है 60, एफ वन क्या है 29, एफ जीरो क्या है 21, टू एफ वन क्या है 29, एफ जीरो 21, एफ टू 70, एच कितना है 20। तो 60 + 21 - 29 तो ए 29 टू जा 58 माइनस 7 8 3 20 60 + 8 × 20 58 0 20। ठीक है बच्चों 20 20 कट आंसर क्या आया 60 + 8 आंसर विल बी 68। तो इस तरह से हमें मीन मीडियन और मोड फाइंड करने का रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक खास करना। आगे और भी चैप्टर के इस तरह से बनाता रहूंगा जो आईएमपी टॉपिक होंगे वो। अगर क्लास 9 के वीडियो चाहिए वो भी बता देना, गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम। ओके बाय।